और दूसरी बात, जो भी इस चीज को लेके आएगा हम वह सरकार गिरा देंगे या सरकार को आने नहीं देंगे। हमारे तरह से पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको खत्म कर दिया, सबकी अर्थव्यवस्था मिटा दी गई। छात्र सड़क पे, किसान सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, युवा सड़क पे, और ये बेशर्म सिर्फ चौप छप्पन चौकीदारी भी ढंग से नहीं कर पाए, चाइना भी अंदर घुस आया। फिर ये कुछ दिन पहले टीवी में रोने आए थे और आज ये देश का प्रधानमंत्री, देश का चौकीदार हिंदू मुसलमान करता है। आज पुलिस वालों में जो सर्विस कर रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान कौन है? रोके मोदी को, जूता पहन के मंदिर में चढ़े हैं। क्यों? उनकी हिम्मत कैसे हुई मंदिर पे चढ़ने की? ये भक्त हैं, ये ढोंगी हैं। जमीनी हकीकत में हम लोग ऐसे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे यही है हमारी समस्या। हिंदू मुसलमान सब ऐसे बैठ गए हैं कि मोदी जी नौकरी दो, मोदी जी खाना दो, मोदी जी पानी दो। चुनाव वाली सेवा, ओ दिद्दी वाली सेवा, जब लाश भी कुत्ते खा रहे तो वाली सेवा, झूठ बोलने वाली सेवा, पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी, पांच किलो राशन वाली सेवा, या छात्रों को किसानों को सड़क में कुचल देने वाली सेवा, कपड़ों से बचेंगे मर जाएंगे सिलाई से, इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बड़े ही सफाई से, या खुदा हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये देश का प्रधानमंत्री झूठ भी बार बार बोलता है बड़ी सफाई से। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं महंत विजय शर्मा जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे नमाज के मुद्दे से। आप खुद एक महंत हैं, संत हैं, और नमाजियों का इस वक्त संत होने के नाम पर आप नमाजियों के साथ क्यों खड़े होना बेहद जरूरी समझते हैं? देखिए, किसी भी धर्म की आलोचना करना गलत है, और धर्म के नाम पे किसी की हत्या करना भी गलत है। अगर कोई भी धर्म खतरे में आता है तो हम समाज उसकी सुरक्षा करते हुए आए हैं, और ये राम और रहीम की धरती है, यहाँ पे हिंदूवाद और मुस्लिमवाद नहीं चल पाएगा। जो धर्म की कट्टरता से आएगा, जो धर्म की ठेकेदारी करने आएगा, उसका वह इलेक्शन या वह चुनाव हम नहीं मानेंगे। बीजेपी जो है वो हिंदुओं की, संतुओं की हितैषी मानी जाती है और हमेशा इनका साथ भी देती है, लेकिन आप खुद संत हैं तो क्यों नमाजियों के साथ खड़े? मुसलमान का नाम लेकर जितनी हत्याएं हिंदुओं की उन्होंने करवाई है, हिंदुओं को ये दिखाया गया कि मुसलमान पीड़ित है, लेकिन सच में हिंदू सबसे ज़्यादा पीड़ित है। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा, कोरोना में सबसे ज़्यादा मरे, भाई इसकी संख्या ज़्यादा होगी भारत। तो महंगाई की मार मुसलमानों पर नहीं है। हमारे कहने का क्या मतलब है कि अगर 80% हिंदू हमारे हिंदुस्तान में है तो महंगाई का सबसे ज़्यादा किसको है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किसको है, शिक्षा सबसे ज़्यादा कमी किसको है? अब आज जब ये ऑक्सीजन और बेड की बात करिए तो ये सबसे ज़्यादा कमी किसको हुई थी? तो ये बताइए, हिंदू मुसलमान सरकार नहीं चलने वाली, देश चलता है संविधान से, या सरकार हो या जो भी धर्म को लेकर चलने वाला हो, हम इसका समर्थन नहीं करते। और दूसरी बात, जो भी इस चीज को लेकर आएगा हम वह सरकार गिरा देंगे या सरकार को आने नहीं देंगे। सीधी बात, पाकिस्तान वापस जाओ, बांग्लादेशी वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं देश में जहाँ धर्म निरपेक्ष की बात की जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यही बीजेपी है जहाँ पे ये कहा जाता है हिंदू काटे मुस्लिम काटे जाएंगे, जैसे राम चिल्लाएंगे। हमने क्या नहीं देखा इस 7 सालों में, और क्या हमारे में किया गया है? हमारे तरह से पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको खत्म कर दिया गया, सबकी अर्थव्यवस्था मिटा दी गई। छात्र सड़क पे, किसान सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, युवा सड़क पे, और ये बेशर्म सिर्फ चौप छप्पन चौकीदारी भी ढंग से नहीं कर पाए, चाइना भी अंदर घुस आया है, ये देश के आंतरिक टुकड़े करवाना। चाइना को तो मुंह तोड़ जवाब दिया है बीजेपी ने, झूठ है। चाइना का एक शब्द नहीं निकल आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 110 या 120 घर का गाँव भी बना लिया उन्होंने, तो आप समझिए दुश्मन हमारे घर पे है और ये प्रचार करते हैं, बेशर्मी करते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। क्या मिलेगा हिंदू मुसलमान करके? देश का विकास होगा? देश का विकास की बात करिए, विकास के नाम पे अगर इनको चुनाव लड़वा दो तो ये एक सीट क्या 7 सीटों से ज्यादा नहीं जाएंगे, विकास के नाम पे आ जाए मोदी जी। लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों हिंदू खतरे में आ जाता है और क्यों चुनाव के वक्त ही हिंदू मुस्लिम करा जाता है? पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि चुनाव के वक्त हिंदू खतरे में बताया गया था, अब उसके बाद अब विधानसभा उत्तर प्रदेश में है तो उसके बाद फिर से ये हिंदू मुस्लिम का जो टारगेट है शुरू कर दिया गया है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, अब इनकी सरकार खतरे में है। हिंदू भी समझ गया है, देखिए हमें से भगवा जा रही, मुसलमान का सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, यही एकता तो खाई जा रही है ना इनको, यही एकता।
कोरोना काल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने एकजुट होकर काम दिखाया। ये डर गए कि अब क्या बोलना देंगे। फिर ये कुछ दिन पहले टीवी में रोने आए थे और आज ये देश का प्रधानमंत्री, देश का चौकीदार हिंदू मुसलमान करता है। आज पुलिस वाले में जो सर्विस कर रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान कौन है? मिलिट्री वाले में हिंदू मुसलमान कौन है? वो तो है प्रदेश के रोकने आते हैं ना। ये हिंदू मुसलमान शब्द आया कहाँ से? आरएसएस ने शुरुआत से और अब तक, और बीजेपी उसका साथ दे रहे थे अब तक, कहीं ना कहीं मुझे क्या बात ऐसी लग रही है कि हिंदू मुसलमान करते करते इनका दिमाग भी हिंदू मुसलमान का हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी को भगाइए, सलमान हुसैन को भगाइए, जिनकी शादियाँ हिंदू घर में हुई है, तब आपका हिंदू वाज क्या होता है? घर वापसी पहले अपनी करिए, बाद में हम देख लेंगे। एक सवाल ये है कि अनिल विज जो हैं हरियाणा के मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी धर्म को जो है खुले में करने का, धर्म धार्मिक प्रदान करने का कोई हक नहीं है। तो गोवर्धन पूजा भी खुले में हुई है। देखिए, आप किसी को कम करके किसी को उठा दीजिए, किसी को उठा के किसी को गिरा दीजिए, इससे हिंसा होगी और इस हिंसा का विरोध करता है समाज भाजपा। कहीं उनके पास तो प्रशासन ने अनुमति दी थी, तो फिर ये अनिल विज ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं यह सरकार कानून को तो मानती ही नहीं है। दिन दहाड़े कोई भी उठा लिया जाता है, कोई भी उठा लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार में जब संविधान है ही नहीं तो कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सरकार की बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। जमीनी हकीकत में हम लोग ऐसे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे यही है हमारी समस्या। हिंदू मुसलमान सब ऐसे बैठ गए हैं कि मोदी जी नौकरी दो, मोदी जी खाना दो, मोदी जी पानी दो। मोदी देश नहीं है। देश बनता है जनता से, देश बनता है युवा से, देश बनता है किसान से, देश बनता है सभी धर्मों से। और भारत धर्म निरपेक्ष रहा है। अगर ये परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की बनना हुई तो पूरा विश्व देखेगा कि भारत किस तरह तबाह होगा, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र बना है पाकिस्तान। क्या आज दशा है आप देख लीजिए जाकर, सीधी बात है, आप समझ रहे हैं। अभी हाल ही में जो है बीजेपी की बैठक हुई है, उसमें कहा गया है कि जिस तरह से कांग्रेस को हमेशा परिवारवाद के लिए जाना जाता है, उसी तरह बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी में परिवारवाद है ही नहीं। राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, अमित शाह के बेटे भी हैं। अरे देखिए, एक चीज बता दे, ये लोग जितनी बातें कांग्रेस की बता रहे हैं, जीएसटी कांग्रेस की, नोटबंदी कांग्रेस की, लेकिन इन्होंने इतना घटिया तरीके से उसको लागू किया है कि आज देश की जनता भूखमरी से मर गई, बेरोजगारी से मर गई, हिंसा करने पे उतारू है जनता। लेकिन इन्होंने दबा दिया, पुलिस को दबा दिया, पुलिस से हम लोग को दबा दिया, मार दिया, कुचल दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर आप करें परिवारवाद की बात, तो मैं आपको बता दूं बीजेपी के अधिकतर नेताओं के बेटे विधायक सांसद और राष्ट्रवाद सांसद बन के बैठे हैं। देखिए, बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बीजेपी की जो नीति है वो सेवा संकल्प और समृद्धि पे जो है निर्भर। कैसी सेवा? जनता की सेवा। नहीं नहीं, चुनाव वाली सेवा, ओ दिद्दी वाली सेवा, जब लाश भी कुत्ते खा रहे तो वो वाली सेवा, झूठ बोलने वाली सेवा, पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी, पांच करोड़ राशन वाली सेवा, या छात्रों को किसानों को सड़क में कुचल देने वाली सेवा? कैसी सेवा? छात्रों को मारने की सेवा, भुखमरी वाली सेवा? तो ये सब सेवा दी गई हमको, ऐसी सेवा नहीं चाहिए। सेवा से उनका मतलब था कि नहीं चाहिए अच्छे दिन। सुन तो लीजिए, सेवा से उनका मतलब ये है कि मजदूरों से मिलते हैं, जाते हैं केदारनाथ पूजा करते हैं, जनता के बीच आते हैं, लोगों से मिलते हैं। मंदिर में जूता पहन के चलना कितना जायज है? आज कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार संत? रोके मोदी को, जूता पहन के मंदिर में चढ़े हैं। क्यों? उनकी हिम्मत कैसे हुई मंदिर पे चढ़ने की? ये भक्त हैं, ये ढोंगी हैं। भगवत गीता में ढोंगी कहते हैं ऐसे को, जूता कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता की पूजा हमारे लिए सर्वोच्च धर्म है। आए सड़कों पे, आए, कल नोटबंदी थी, वादा किए 100 दिन बाद कहां मिलेंगे बताइए, चैलेंज करते हैं, आइए आइए, कहां मिलना चाहेंगे वो, जहां मिलना चाहे बताए। वो झूठ बोलते हैं, इतना काम कर रहे हैं तभी तो देश दुनिया के लोकप्रिय नेता बन गए। वो झूठ बोलते हैं, कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। इंडिया से पूछिए उनकी औकात क्या है। एक गृह मंत्री है, वो तड़ीपार, कोर्ट ने तड़ीपार किया था। एक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो किसी झूठ बोलते हैं। कपड़ों से बचेंगे, मर जाएंगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा, हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका। ये देश का प्रधानमंत्री झूठ भी बार बार बोलता है बड़ी सफाई से। एक अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी की जो है त्रिमूर्ति तैयार हो गई है विपक्षियों को हराने के लिए। देखिए, कहीं मोदी की फोटो फिर ना गायब कर दी जाए, इससे पहले गायब कर दी गई थी।
और पहली बात तो ये कि मोदी नहीं चाहते हैं कि योगी चुनाव जीते, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 24वें कैंडिडेट हो जाएंगे। तीन धड़ काम कर रहा है बीजेपी, वो तो कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा है, इस बार जीत उन्हीं के चेहरे से हासिल होगी हमें। नरेंद्र मोदी से कहिए, अगर वो कह रहे हैं अगर योगी आए तो हम चुनाव हार जाएंगे। कहाँ कहा है उन्होंने, आपने कहा बड़ा चेहरा है तो? कोई चेहरा नहीं, दबाव है ये। भाजपा को या मोदी जी को संघ का दबाव है, संघ का दबाव है। आप कहते हैं योगी ने कुछ काम नहीं किया जमीनी स्तर पर, एक्सप्रेस वे और हाईवे जैसे, और एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे सौगात दे रहे हैं यूपी की जनता को, आप कह रहे हैं योगी काम नहीं कर रहे हैं। सब प्रोजेक्ट हो गए, पकड़ पकड़ नौकरी दी जा रही है। आइए, महीने से टैबलेट्स बच रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को यूपीएससी की फ्री कोचिंग दे रहे हैं। जहर वाला टैबलेट या चलाने वाला टैबलेट? मरने वाला, पढ़ने वाला? पढ़ने वाला, हमको मरने वाला टैबलेट देंगे वो। देखिए मैं बता दूं आपको, उनका जो पढ़ने वाला टैबलेट है वो 4 साल कहाँ था। अगर वो छात्रों को नौकरी दिए होते, सड़क गड्ढा मुक्त हो गई भारत, वो यूपी जीतेगी या नहीं? नहीं, नहीं जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी भी कीमत पे नहीं जीतेगी। गठबंधन AIM कांग्रेस सपा महागठबंधन बना के सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र की स्थिति बनेगी उत्तर प्रदेश में। मैं शुरुआत से कहता हूँ महाराष्ट्र की स्थिति। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ भी हो जाए बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी, बनेगी तो गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अब सरकार किसकी बनती है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। बने रहिए PRB News के साथ, धन्यवाद।